औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़ास तौर से नौजवानों, आज हम बात करेंगे दिल्ली का एक सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बयान दिया है हिंदू वाणी या फिर जो है VHP के फंक्शन में उन्होंने कहा है कि इनडायरेक्टली के इन लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना है तो इनका सामाजिक बायकॉट करो। तो मैं उस प्यारे से ये कहना चाह रहे हैं हम मुसलमान हिंदुस्तान भर के, तो अगर हम तुम्हारा बायकॉट कर दें, जैसे सूरत से जो साड़ियाँ वगैरह आती हैं दुल्हनों के, हमारे महाराष्ट्र होने दीजिए या हमारा तेलंगाना होने दीजिए, आंध्रा होने दीजिए, जो कपड़े की ख़रीदारी होती है, तो अगर उस पर नज़रअंदाज करके या हम जो है खामोश हो गए नहीं ख़रीद के, तो अक़ल तो अक़ल तुम रोड पे आ जाओगे। ये जो है वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि, और सबसे अहम बात ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कि इंटरनेशनल लेवल पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, जो भी केस बुक हुआ, दोस्तों नौजवानों आपको मैं ये बताना मुनासिब समझ रहा हूँ कि वहाँ जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करे थे उस पर केस बुक हुआ, और जो सांसद ने इतनी बड़ी बात की, जो MP ने बात की, उस पर केस बुक नहीं हुआ। और कोई VHP का ये कहता है कि जो है ये हेट स्पीच नहीं है, तो यानी माशी हालत पे यानी क्या बोल रहा है वो कि भाई एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हो के जिसने शपथ ली कि मैं जो है दस्तूर की पाबंदी करूँगा, कसम ली, तो ये कह दे फिर तू साथ में झूठ बोला है, अगर तू झूठ बोल के जो है तू जो है जो भी अकल की बात कर रहा है, तो मेरे प्यारे तुमको ये अकल आना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल बात ये चले गई, यानी जो है दुबई, UAE चले गई, सऊदी चले गई, अगर वहाँ के कुछ बयान आ गए, तो सोचिए पेट्रोल और गैस के बारे में जब होगा तो कौन सी अकल ठिकाने आएगी। ये आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ये जो है ना समझ या फिर ये समझ रहा है कि इस तरीके से प्यारा हमारा MP जो है प्यारे है, तुम ये समझ रहे हैं कि तुम इस तरीके से डरा धमका कर जो है वोट को तकसीम करके, ये कुछ होने वाला नहीं है। अब 2023 और 24 के इलेक्शन में ये बहुत अच्छी तरीके से नौजवान जान चुके हैं कि महंगाई पे या किसी किस्म की आप ना तो डिबेट करते हैं ना बातचीत करते हैं। और ये देखिए, ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी, ये सारे 25-30 करोड़ मुसलमानों को इनडायरेक्टली ये बोलता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ज़िम्मेदार शख्स ये कहता है कि इनका सामाजिक बायकॉट करो, फेरी वालों से मत खरीदो, उससे मत खरीदो। अरे बाबा, अगर हम लोग ख़रीदना बंद कर दें तो सोचो ये सूरत या UP या जितने भी बड़े बड़े जो चीज़ें हैं, या होटलिंग होने दीजिए, या जितने भी अब हमारा जो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो सोचिए हमारे पास यहाँ हैदराबाद में जो है बेगम मज़ार कह के एक जो है इलाका है जहाँ से ख़रीदी फरोख्त होती है, वो सब राजस्थानी है। हम कभी ये नहीं सोचे कि भाई ये फलां जगह का, ये हिंदुस्तानी है। तुम कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तुम 70 साल 100 साल से कोशिश कर लिए, नतीजा क्या है? ये सब दुनिया की कायनात चलाने वाला अल्लाह सुभान व तआला है, तो ये सोचना ज़रूरी है कि क्या अल्फाज बोल रहे हैं और किसके कहने पे बोल रहे हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है, इसको भी समझने की ज़रूरत है नौजवानों। अब इलेक्शन 23 और 24 का आ रहा है, शायद इलेक्शन यहाँ पे 23 में होगा तेलंगाना स्टेट में, 24 का जो है पूरे हिंदुस्तान भर का होगा। अब आपको ये तय करना है, देखिए कि आपके अपने मसाइल को जो है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है आपको ये चीज़ बताना बेहद ज़रूरी है कि आपके मसाइल क्या हैं। अगर आप मसाइल नहीं बताएंगे तो बिल्कुल सही है लीडरों का कि आप अपने मसाइल नहीं बन, तो हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि आपके घर घर आके जो है जिस तरीके से कचरा उठाने वाला आता है, घर घर खटका मार के आपसे पूछने से तो रहा लीडर, आपको अपने मसाइल को बताना पड़ेगा अपने लोकल लीडर से, सदर से, एरिए के पंचायत जो सदर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ज़िम्मेदार होता है पंचायत का होता है, वार्ड मेंबर होता है, फिर जो है उसका सदर होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, फिर नई कॉरपोरेटर होता है, फिर MLA होता है, MP होता है, ये सब अगर टाइम नहीं दिए तो कम से कम आप जो है मुझे पिछले हफ्ते जो है इसी तरीके की प्रॉब्लम आई, तो उनके घर के सामने उनके बच्चे लोग जो है पानी जब बह रहा था, अभी 15 दिन से कोई पुरसान हाल नहीं था, तो जहनुमा में, तो वो वहाँ भेजे, वहाँ से मेरे पास आए और मैं रिले करा, आप देख सकते जाके पेज पे हमारे IFB के। तो ये आपको अवेयरनेस लाने का मकसद ही यही है कि आप अपने मसाइल को नहीं लाएंगे तो मालूम कैसे चलेगा।
अब आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप जो है उसका इस्तेमाल नहीं करके जो है ये सब ऐसा ही है फला है, सऊदीया में आराम से रह के आके जो है यहाँ भी वैसी होगा, बोलो तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप देख लीजिए यहाँ पे जो है आपको तालीम के मैदान में भी आपको एडमिशन लेना है तो उसके भी लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इधर उधर रिकमेंडेशन लगाने के बावजूद भी आपको जो है वो डोनेशन देना ही पड़ता है आपको, बिना रसीद के आपको लाखों करोड़ों रुपए में भी सीट मिलना मुश्किल होती है। इंजीनियरिंग सीट होने दीजिए या फिर किसी किस्म की भी आपको जो है ना सिविल होने दीजिए। तो ये तालीम का जब आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको देने का मकसद यही है कि आपको अपनी खुद की लड़ाई सियासी हो या फिर जो है समाजी हो उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ के जो है मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही, हमारे महल्ले में लाइट नहीं है, हमारे महल्ले में जो है मोरियाँ साफ़ नहीं है, हमारे महल्ले में जो है नल नहीं आ रहा, ये सब पुरानी हो गई ये बातें, और लीडर को भी मौका दे रहे हैं आप ये स्पीच दे दे के चले। अरे डब्बन, अरे भाई आप अपने मसले को जो है इससे ज़ोर शोर से उठा के 5 साल तक आपको जो है कुछ तकलीफ़ ना हो, कुछ ऐसा प्लान बना के दीजिए। आप पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ रहे हैं नौजवान जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं पढ़ाई पढ़ के, लेकिन जो है अपने घर से अपने समाज से दूर रह के कोशिश करने वाले जो है नहीं करेंगे तो उनकी बिल्कुल हार ही होगी। जो है जब तक आप इस पे वर्कआउट नहीं करेंगे कि क्या मसला है, स्कीमा क्या है गवर्नमेंट के, क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कीमों पे इम्प्लीमेंट कर रही, जब इलेक्शन के टाइम पर जो वादा हुआ था, जो दोस्ती थी अब किसी वजह से टूट गई दोस्ती, अब मलाई जो है दूध अंडों की बात हो रही, चिकन मटन, तो ये सब आप डाइवर्ट कर सकते हैं आपको, लेकिन आपका अपना जो मसला है ये एक अच्छी बात हुई कि आप मीडिया के ज़रिए बताइए, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको है बताइए ना भाई, क्यों ना आप जो है नहीं बताना चाह रहे, क्यों डरना चाह रहे हैं आप, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपनी आवाज़ को राइट ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच आप बात कर सकते हैं ना, आपके हाथ में जो है मोबाइल है आप उसको सर्च करिए, आपका जो दस्तूर आपके हाथ में है मोबाइल में सर्च करिए, आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बुक में आपको हर चीज़ लिखी हुई है बाबा साहेब अम्बेडकर की, फिर आप डरने और घबराने की क्या बात है, इसमें क्या होगा, क्या होगा बोलिए आप, क्या होगा कि आप अपने मसाइल को बता रहे हैं, बताने का मकसद ही यही है कि इसका हल निकाला जाए। जब तक आप किसी किस्म की बातचीत करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, लीगल पॉइंट से बात नहीं करेंगे, जो दस्तूर आपको दिया हम कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इस मुल्क में, आप जो है उसका फंडामेंटल राइट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे ही होंगे। आप जो है लोगों के सामने बात करना इधर उधर नुक्कड़ों पे छोड़ दीजिए, आप अपने हाथ में अपनी आपकी चीज़ है आप उसको ले जाइए, रख के बात करिए, कंसल्ट जो है आपके पास GHMC के ऑफिसर्स है, हर जगह वार्ड ऑफिस है, हर जगह जो है कॉरपोरेटर है, पूरे स्टेट में हर जगह वहाँ का ज़िला प्रशासन का इंचार्ज है, MP है, MLA है, सब लोग अब आपको करीब आएंगे। उससे पहले आप कुछ अपनी तैयारी तो करिए, अहम तैयारी ये भी करिए कि इलेक्शन के जो है आपका वोटर आईडी में नाम है नहीं है वो भी पता करिए, क्योंकि वो जब आपका नाम कट जाएंगे किसी वजह से फिर जाके जो है फिर NRC या फला फला जो है उसमें भी आपको असर पड़ने का डर है। तो लिहाजा आप थोड़ा वक्त निकाल के अपने कंसर्न MLA कंसर्न कॉरपोरेटर को पकड़ के अपना वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है ये आप आधार कार्ड से जोड़े या नहीं जोड़े ये देखिए उसको, नहीं तो आपको 23 के इलेक्शन में लाइन में तो ठहर के जाएंगे, आपको वोट डालने की इजाज़त नहीं मिलेगी जो वोट आधार आधार से आप लिंक नहीं करें, फला नहीं करें, जो भी है, लेकिन उसमें आप जो है वोट नहीं डाल सकेंगे। आपका जो जमहूरी हक है, जो आपका जो है बिल्कुल जो है आपके जो है मुल्क को आप संवारते हैं, नौजवान ज़यीफ बूढ़े जो है वोट के ज़रिए वो आपसे महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा आप मेहरबानी करके अपने वोटर लिस्ट में आधार कार्ड को जोड़ने का क्या सिस्टम है, कैसा है, पहले जो है वेबसाइट पे जाइए, गूगल सर्च करिए, देखिए उसमें, एक दो घर में बच्चों से मशवरा करिए, बच्चियों से मशवरा करिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद फिर एक दिन वक्त निकाल के जो है जाके इसको कौन से स्टेशन पे है या क्या है, कॉरपोरेटर को फ़ोन करिए, कॉरपोरेटर का फ़ोन वो भी आपको एरिया में नहीं मिलेगा तो आपको जो है GHMC की वेबसाइट पर जाइए, सबके कर है MLA के जो है असेंबली की वेबसाइट पर जाइए उनके मिल जाएंगे, पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाइए MP के मिल जाएंगे या मिनिस्टर्स के मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई वही बात ही नहीं है। आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, चैट करिए, जो आप मसला है उसको हल करिए मेहरबानी करके इसमें आने वाले इलेक्शन में आपको, ताकि आपका इसमें वोट का हक बरकरार रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।